हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ न्यू इंस्टाग्राम कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप फोटो देख सकते हो, मैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग आज सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। सो वीडियो करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। सो मेरा नाम है प्रशांत उमरिया एंड आप देख रहे हैं प्रशांत फोटोग्राफिक। गाइस, आप वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट करना है और वीडियो को आगे शेयर करना है। सो आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए। सो वीडियो करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, सबसे पहले अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है उसको ओपन करनी है। जैसे कि ये रही पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद हमारा जो ऐड अ फोटो है उस पर क्लिक कर देना है। सिंपल से आपकी जो भी फोटो है उसको ऐड कर लेना है। जैसे कि मेरी वाली ये है, सो मैंने ऐड कर ली है। सो मेरा मोबाइल मैं रोटेट कर देता हूँ पहले। दोस्तों, सबसे पहले आपको टूल्स ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, तो बिल्कुल उसमें चले जाना है दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे काफ़ी सारा ऑप्शन है, जैसे जैसे मैं सेटिंग करूँगा ऐसे ऐसे आपको करते जाना है। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट से हमारा, तो मैं उसको 100 नहीं सॉरी दोस्तों, उसको प्लस करूँगा, मैं 20 के आसपास रख देता हूँ। ओके, उसके बाद है क्लियरिटी, तो मैं क्लियरिटी को भी इंक्रीज करने वाला हूँ 50। उसके बाद जो सैचुरेशन है दोस्तों उसको 100 माइनस रख देना है दोस्तों, बिल्कुल मेरी तरह। यू को कुछ भी मत करना दोस्तों। उसके बाद है हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स को दोस्तों -100 कर देना। और उसके बाद है शैडो, तो शैडो को भी 100 माइनस। और उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, इधर आपको इरेजर का टूल दिखाई दे रहा होगा ये वाला, उस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, जहाँ जहाँ आप खड़े हैं आप उस पर से आपको रिमूव कर देना है ये इफेक्ट। तो कैसे करेंगे, तो आपको इरेजर टूल पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं इधर आप देख पा रहे होंगे, उस पर क्लिक करने के बाद अब जहाँ पर खड़े हैं उस पर से इसे रिमूव करते जाना है। तो मैं फटाफट से रिमूव करता हूँ। सो ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा जो हमारा मॉडल था उस पर से हमने जो इफेक्ट डाली थी वो रिमूव कर दी है। उसके बाद दोस्तों सिंपल से इधर आपको राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों फिर से राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, राइट का ऑप्शन क्लिक हो जाने के बाद आपको दोस्तों क्या करना होगा, ऐड फोटो करना होगा। मैं जो भी PNG यूज़ करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे दी है ऑलरेडी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी मैं PNG यूज़ करूँगा वो भी आपको डालनी होगी। जैसे कि हमारी पहली वाली PNG ये वाली है, तो जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम का जो भी फोटो है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं। और फिर भी आपको ये वाली चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है। ओके, इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इधर स्क्रॉल डाउन करके आपको इफेक्ट्स होगा, जैसे कि आप इफेक्ट्स देख सकते हो, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। इफेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपको कलर्स में चले जाना है। जैसे कि मैं इधर आप देख सकते हो कलर्स के अंदर हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लास्ट में चले जाना है और नेगेटिविटी लिखा हुआ इधर आपको दिखाई देगा, जैसे कि ये वाला है, उस पर सिंपल से दोस्तों क्लिक करके आपको राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको ब्लाइंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसमें से आपको इसको स्क्रीन पर कर देना है। जैसे कि मैंने किया अभी, स्क्रीन वाला ऑप्शन ये वाला है, सिंपल से आपको इस पर ले लेना है। देन उसके बाद इसको एडजस्टमेंट करके बड़ा कर देना है दोस्तों हल्का सा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ओके, हो चुका है डन इतना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे कि मेरा प्रोफाइल लोगो है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो आपका भी शायद से नहीं दिखाई देगा, तो आपको क्या करना होगा, फिर से ऐड फोटो पर जाना है और वहीं वाला जो हमारा स्क्रीनशॉट है उसको ऐड कर लेना है। और उसकी जो ऑपोसिटी है दोस्तों ये वाली, इसको 50 कर लेना है। 50 हो जाने के बाद दोस्तों इसको जो रिसाइज कर देना, जैसे कि हमारा पिछला वाला हमने रखा है उसकी साइज से इसको हिसाब से बड़ा कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, हमें को इरेजर टूल पर जाना है। जैसे कि आप इरेजर टूल इधर देख सकते हो, उस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, इन्वर्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इन्वर्ट पर क्लिक हो जाने के बाद आपका जहाँ लोगो है दोस्तों वहाँ से आपको रिस्टोर करना है। जैसे कि रिस्टोर के ऑप्शन पर मैं आ गया हूँ, साइज अपने हिसाब से रख देना और हैंडसेट है उसको हल्का सा बढ़ा लेना, 90 के आसपास रख देना। ओके, और उसके बाद रिस्टोर करना, तो आपका जो लोगो होगा वो रिस्टोर हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। हल्के से करना दोस्तों, बहुत स्पीड में मत करना वरना बिगड़ जाएगा बिल्कुल।
ओके दोस्तों, इतना हो जाने के बाद आपको दोस्तों क्या करना होगा, फिर से एक बार राइट पर क्लिक कर देना और उसकी जो ओपेसिटी है वो प्लस कर लेना, और उसके बाद फिर से हमारा जो इरेजर टूल है दोस्तों इधर उस पर चले जाना और फिर अच्छे से देख लेना कहाँ का रिस्टोर नहीं हुआ दोस्तों, जैसे कि इधर नहीं हुआ, मेरे हेयर दिखाई दे रहे होगा आपको, तो फिर से रिस्टोर करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, साइज़ हल्के से छोटी कर लेना और उसके बाद इसको ऐसे उस पर अप्लाई कर देना दोस्तों। देख सकते हो हम मेरे हेयर आ चुके हैं और इधर भी कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं इस पर भी कर देता हूँ हल्का सा। ओके हो चुका है डन दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारा लोगो आ चुका है। तो गाइस उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना, इधर आप देख सकते हो राइट पर क्लिक करना है और दोस्तों फिर ऐड फोटो पर जाना है, जैसे कि यहाँ रहा हमारा ऐड फोटो। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों और एक PNG है उसको ऐड करना होगा, जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम की PNG है तो वो भी मैंने डिसीजन बॉक्स के अंदर है, तो इसको बड़ा कर देना दोस्तों और इधर इसको सेट कर देना, जैसे कि हो चुका है सेट दोस्तों ये भी। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो ऐड फोटो ये रहा, उस पर क्लिक कर देना है और एक PNG है इसको आपको ऐड करना होगा, जैसे कि ये वाली PNG है इसको भी ऐड करना होगा दोस्तों आपको, और इसको इधर सेट करना है, जैसे कि मैं भी इसको बड़ा कर लेता हूँ, आप भी बड़ा कर लेना अच्छे से। ओके दोस्तों अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है दोस्तों, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है, जैसे कि आपको इधर क्लिक करेंगे दोस्तों तो डुप्लीकेट कॉपी इसकी हो जाएंगी, इधर आपको दिखाई देगा डुप्लीकेट का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना, सिंपल से उसकी डुप्लीकेट आ जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों उसकी जो हमारे ये बाजू वाली फ्रेम है तो इसको चेंज कर देना, उल्टा कर देना, जैसे कि मैं अभी उल्टा इसको करता हूँ, जैसे कि मैंने किया अभी उल्टा, बिल्कुल आपको भी सेम टू सेम ऐसा कर लेना है। ओके और इसको अच्छे से सेट कर देना है, इधर हो चुका है सेट दोस्तों। तो और उसकी जो दोनों की ऑपोसिटी है दोस्तों उसको हल्का सा कम कर देना, ओके दोनों को हल्का सा कम कर देना, अभी मैं 80 रख रहा हूँ, आप भी 80 रख दीजिए। ओके और बहुत ही बढ़िया, और उसके बाद राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना इधर। ओके दोस्तों आप देख सकते हो हमारा फोटो बहुत ही बढ़िया एडिटिंग हो चुका है, पहले कुछ इस टाइप का था और उसमें से हमने इंस्टाग्राम वाला हमने डाल दिया, बहुत ही बढ़िया एडिटिंग हो चुका आप देख सकते हो गाइस। और इसको सेव करने के लिए दोस्तों आप इधर मत क्लिक करके सेव करना, ओके ये गलत ऑप्शन है, इधर से सेव नहीं करना वरना आपकी क्लियरिटी है बहुत ही कम हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ड्रॉ के ऑप्शन पर चले जाना, जैसे कि आप ड्रॉ देख सकते हो, ड्रॉ पे जाने के बाद फिर से ड्रॉ पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको इधर 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, उस पर सिंपल से क्लिक कर देना है और इधर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा सेव का ऑप्शन, उस पर सिंपल से क्लिक कर देना, तो आपका फोटो फुल HD में सेव हो जाएंगे दोस्तों। और ऐसे एडिटिंग के लिए हमारी प्रशांत फोटोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ कोई अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।